लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। दो लोगों की राजनीतिक विचारधारा में भले कितने ही अंतर क्यों ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनके विचार मेल खाते हो तो समझो दोस्ती पक्की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की। अक्सर ये दोनों ही नेता बड़े मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ भले ही तीखे तेवर अपना कर राजनीति को गर्माते हो, लेकिन असल में दोनों में खास रिश्ता है और वो है दोस्ती का। भले ही राजनीतिक गलियारों में दिग्गी और विजयवर्गीय एक दूसरे के घोर विरोधी हों, लेकिन जनता जानती है कि इनकी दोस्ती भी गहरी है। और इस बात पर आज उस वक्त मोहर लग गई जब इंदौर में एक दूसरे को गले मिलकर संक्रांति की शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही ठहाके भी लगाए। हालांकि इस नजारे को देखकर न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी चौंक गए। ये नजारा इंदौर के पलासिया स्थित आदर्श रोड का है, जहां राजनीतिक मतभेद भुलाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुशी खुशी गले मिले। हाल ही में कई कांग्रेसी नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कार्रवाई के मामले में जमकर बयानबाजी की थी, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। लिहाजा कांग्रेस नेताओं के बयान और आज की ताज़ा तस्वीर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल पैदा करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।